अस्सलाम वालेकुम जी, जीटी रोड पर ते मौजूद हाँ। जीटी रोड वाला जिथे आलम चौक, वान चौक, अलीपुर चौक, वो वाला जीटी रोड है। ते मौसम की सूरतहाल है वे, कि सर्दियां आन का नाम ही लै रही हाँ, ते गर्मियां जान का नाम नहीं लै, गर्मियां जान का नाम नहीं लै रही, बिल्कुल नहीं जान दे हालात दे डैट ते गर्मी भी सर्दी भी लगता जरा ना किसी और मुंह लगी डोल गई। हाँ जी, यह फजाई हाउसिंग स्कीम है जी, यह जहाज है, यह फजाई हाउसिंग स्कीम जी एक एडी को कामयाब नहीं हुई। क्यों भाई साहब, नहीं होगी जिंदगर इन्नी देर बनने के बावजूद भी जरा ना जिंदगर काफ़ी हद तक खाली है। हाँ, कई बगे चक्कर लगता है, वजह क्या सोसाइटी कामयाब पहुंची ना। वैसे लोकेशन का भी बड़ा मंदर अमन शहरों बाहर है, ये शहरों बाहर है, तो जाहरी गल है वो फिर बहर ये मेरे ख्याल शुरू भी नहीं हुई, हो सकता मामला सेट हो ही जाए। जीटी रोड दी जनाब तुसी इस टाइम सैर कर रहे हो, अजान मुगल, अजान महल यूनिवर्सिटी टाउन से जी, अलीपुर चौक के नाल बिल्कुल है, अलीपुर चौक आ गया। हासकल है, हासकल का पंप है अलीपुर चौक। अच्छा भाई साहब, इधर तो हो गया अलीपुर चौक, तो राजकोट की तरफ तो ले तरह जी सड़क जा रही है, यानी सीधी गोंदर वाले अड्डे निकलेगी। है सीधी गोंदर वाले अड्डे, ठीक है। अगे जनाब आ रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी का गुजराला, गुजराले के पंजाब यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वह भी तुम्हें दिखाने जा रहे हैं। अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ऑपोजिट साइड ने सामने अगर कैमरा तुम्हें दिखाए एक पापड़ी चाट वाला, जिसे मूवमेंट जरा राहगीर भी अक्सर इतना खाते हैं, यूनिवर्सिटी की भी स्टूडेंट वगैरह जितना खाते हैं लाला पापड़ी चाट वाले, बड़ी लजीज इन्हों की पापड़ी चाट है, बड़ी जायकेदार मुनासिब कीमत है। शाम को खोलते हैं क्योंकि फिलहाल तो बंद है, ऑलमोस्ट ही खुली हुई है, खुली है। अच्छा, दो ढाई बजे तीन बजे यूनिवर्सिटी टाइम जो ओपन ही होएगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी तलबा तलबा जड़े रहे ना सही। शालीमार टाउन है जी, अमेजान बैंक पहला वे लो निका जाइए ते शालीमार टाउन है, फिर भी प्राइम लोकेशन है कंपैरेटिवली, मतलब वो फजाई है जरा ना, वो थोड़ा शहरों बाहर हो जाता। वैसे लोकेशन के लिहाज से गार्डन टाउन बड़ा अच्छी जगह, गार्डन टाउन भी ठीक है, डीसी कलोनी थोड़ी, डीसी कलोनी भी ठीक है, कंटोनमेंट के बीच मार्केट है, बदल सेंटर थोड़े ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक फास्ट फूड ब्रांड ने, लेकिन वो शहर के कोल होता ना कि जी हर चीज़ एक्सैस के बीच ही रहे, जो थोड़े को एक्सैस आ गई हर चीज़ शहर हो भावें बहर हो, क्योंकि अक्सर शहरों बहर पिंडों बहर ता ही निकलते हैं कि शहर हर चीज़ मयसर होंगी है, जो थोड़ा पिंड ही हर शहर मयसर हो शहर जाने की जोड़ का दी है। डीसी कलोनी जी है ना सोसाइटीज के सब तो ठीक कामयाब तरीन सोसाइटीज में एक है। हाँ है जी, अटक का पंप है, शहर का वे आमने सामने अगर समनाबाद चुंगी आ रही है। हाँ जी, समनाबाद चुंगी आ गई है वो भी तुम आने और पिंडी बाईपास तक भाई जरा ना ये अपडेट हो जाओगे। जरा अगर सलीम भट्ट साहब थोड़े ना मुखातम जनाब, थोड़िया दुआवा ने अभी ताई फिर रहे हैं जगह जगह, बिल्कुल जी असर दुआवा ने अभी सही सलाम जरा ना पूरा गुजरा ना फिर के आ जाने। असर सलीम जी बड़े बड़े खूबसूरत इंसान ने और बड़ा
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪਾਂਸ ਔਰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਮਸੀਦ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਲੱਦਿਆਲੇ ਬੜਾਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਿਨ ਦਰਸਲ ਬਾਤ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ इलाका हो या इलाका वे बस दोस्त ने छोड़ चुके हुए ने शहर लेकिन यादा बसा ने कुछ वैसे जड़े ने बिरूने मुल्क ने ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡੀ ਬਾਈਪਾਸ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਮਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ और स्पेशली हज़रत सलीम भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़।